अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। कहाँ से? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है। तो आपको ये पता होगा कि स्टेमेंस आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टिल्स इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं कि आखिर फ्लावर्स किस प्रकार के होते हैं। तो फ्लावर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है बाईसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल कैसे प्लांट्स होते हैं या कैसे फ्लावर्स होते हैं? यूनिसेलुलर फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टेमेंस आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जो या तो केवल मेल पार्ट रखते हैं, उसके उनमें क्या होता है, या तो केवल मेल पार्ट होता है या तो केवल फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट का मतलब होता है स्टेमेन और फीमेल पार्ट का मतलब होता है पिस्टिल। या तो वो पिस्टिल को कंटेन करते हैं या तो वो स्टेमेन को कंटेन करते हैं, दो में से किसी एक को कंटेन करते हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और बाईसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं? द फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टेमेंस एंड पिस्टिल। ऐसे फ्लावर जिसमें दोनों पार्ट होते हैं, मीन्स मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है, मतलब ये है कि उस फ्लावर में स्टेमेन भी होता है और पिस्टिल भी होती है, ऐसे फ्लावर्स को हम लोग बोलते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर्स। कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। जो कॉर्न है, पपाया है, कुकुम्बर है, ये सब कैसे फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं? ये सारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। वेयर एज मस्टर्ड, रोज एंड पेटूनिया है बाईसेक्सुअल फ्लावर्स। और जो मस्टर्ड है, रोज है, इनमें क्या होते हैं? बाईसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट्स। दोनों मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी अगर किसी सेम में है, मीन्स हम ऐसा बोलें कि मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर ये सेम प्लांट में भी होते हैं और डिफरेंट प्लांट्स में भी हो सकते हैं। कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ द स्टेमेन? क्या आप, तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ कि अगर आप लोग क्या ये कंसीडर कर सकते हैं कि एंथर और फिलामेंट जो स्टेमन में होते हैं, क्या आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाता है। एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स। जो एंथर होता है उसमें क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, और वही पॉलन ग्रेन ही मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती हैं। अब पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, और जो पिस्टिल होती है वो स्टिग्मा को कंसिस्ट करती है, स्टाइल को कंसिस्ट करती है एंड ओवरी को कंसिस्ट करती है, मीन्स इन तीनों को मिलाकर पिस्टिल बनती है, ठीक है। ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स। ओवरी में क्या होते हैं? एक या एक से अधिक ओव्यूल्स होते हैं। द फीमेल गैमेट्स और द एग इज फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल। जो फीमेल गैमेट है या एग है वो कहाँ बनता है? वो ओव्यूल में बनता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जायगोट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे में मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और वहाँ फ्यूज होके क्या बनाते हैं? जायगोट बनाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉलिनेशन। आफ्टर जायगोट फॉर्मेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पॉलिनेशन। जायगोट फॉर्मेशन आपको पता चला कि जायगोट फॉर्मेशन क्या होता है? जब भी मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो क्या बनाते हैं? जायगोट बनाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जायगोट फॉर्मेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं पॉलिनेशन की। जनरली पॉलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग अप। जनरली क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एक बहुत ही टफ, मोटी और मजबूत प्रोटेक्टिव कोट से पैक्ड होती हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है कि वो एक प्रोटेक्टिव कोट से पैक्ड होती है? ऐसा इसलिए होता है कि जो पॉलन्स हैं, जो ग्रेन्स हैं, वो ड्राई ना होने पाए।
सिंस ये जो ऐसा होता है क्योंकि पॉलन ग्रेन्स कोटेड होती हैं, ये इसलिए होता है, केवल एक ही रीजन है कि जो पॉलन्स होती हैं, जो ग्रेन्स होती हैं, वो सूखने ना पाए। सिंस पॉलन ग्रेन्स आर लाइट, पॉलन ग्रेन्स कैसी होती हैं, हल्की होती हैं, दे कैन बी कैरीड बाय विंड, वो हवा, इतनी हल्की होती हैं कि हवा के थ्रू उनको कैरी किया जाता है, ये कैरी हो जाती हैं, मीन्स हवा में उड़ जाती हैं, या हम ऐसा बोलें कि बहती हैं, और वाटर, या वाटर के साथ भी बहती हैं। इंसेक्ट्स विजिट फ्लावर्स एंड कैरी अवे पॉलन ग्रेन्स ऑन देयर बॉडीज, जो इंसेक्ट होते हैं वो जब फ्लावर में बैठते हैं तो अपने बॉडी में भी पॉलन ग्रेन्स को कैरी कर ले जाते हैं। सम ऑफ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड, और कुछ पॉलन क्या होती हैं, जो स्टिग्मा होता है फ्लावर का, उसी प्रकार के फ्लावर, जिस प्रकार के फ्लावर मीन्स जिस फ्लावर के पॉलन से हैं, उसी टाइप के फ्लावर में जो स्टिग्मा होता है, जब उसमें ये पॉलन्स गिरती हैं या उसमें उसके कॉन्टेक्ट में आ जाती हैं, तो हम क्या बोलते हैं फिर, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मीन्स हम इसको ट्रांसफर प्रोसेस बोलते हैं कि ये ट्रांसफर हो गई, मीन्स पॉलन ग्रेन्स एंथर से लेकर के स्टिग्मा तक पहुंच गई, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स कहाँ से ट्रांसफर हो रही थी, अभी एंथर से ट्रांसफर हुई, किसके थ्रू हुई, ये फ्लो जाते ब्लो अवे होती हैं, किसके साथ ब्लो करती हैं, फ्लो करती हैं, या हम ऐसा बोले कि बहती हैं हवा के साथ, पानी के साथ, या किसी इंसेक्ट के थ्रू, उनके बॉडी के कारण, उनके बॉडी में चिपक कर, उनके बॉडी में के सपोर्ट के कारण वो कहाँ पहुँच जाती हैं, दूसरे उसी प्रकार के फ्लावर के स्टिग्मा पार्ट में। अब जब वो स्टिग्मा पार्ट में जल जाती हैं, पहुँच जाती हैं, तो हम इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस। इफ़ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। जब कभी, पॉलिनेशन के बारे में हमने पढ़ा, जब कभी कोई पॉलन उसी फ्लावर की, मीन्स जिस फ्लावर में एंथर था उसी फ्लावर में पॉलन्स भी है, मीन्स स्टिग्मा भी है, तो उसी फ्लावर के स्टिग्मा में गिरता है या लैंड करता है या कॉन्टेक्ट में आ जाता है, तो हम इसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। When the pollen of the flower land on the stigma of a flower of a different plant of the same kind, it is called as cross pollination. और जब कभी pollen grains किसमें चली जाती हैं, दूसरे flower के stigma में चली जाती हैं, मिल जाती हैं उससे, stigma में गिर जाती हैं, तो हम उसे बोलते हैं, या उसके contact में आती हैं, तो हम उसे बोलते हैं cross pollination. Cross pollination का मतलब क्या हो गया, different type के या different plant में, same kind के different plant में एंथर होगा और डिफरेंट प्लांट में स्टिग्मा होगी, और दोनों आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, मिलने का जो वे है वो कुछ भी हो सकता है, वो इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, वो वाटर में आ सकता है, वाटर का ब्लो अवे होके आई हो, या एयर में ब्लो कर रही हो, या किसी भी वे से हो सकता है। जब सेम प्लांट में ही स्टिग्मा, और एक फ्लावर में स्टिग्मा हो और दूसरे फ्लावर में क्या हो, एंथर हो, और दोनों मिल जाएं आपस में, तो हम उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। जब डिफरेंट प्लांट में हो तो हम उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब आप लोग अगर ध्यान दें, आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो डायग्राम है इसमें स्टिग्मा आपको बताया गया है, स्टिग्मा कहाँ पे है, ये पार्ट स्टिग्मा, फिर ये स्टाइल, यहाँ पे ये पार्ट स्टाइल का है, ये ओवरी आपको दिख रही है। ठीक है, ये ओवरी के अंदर देखिए डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ओब्यूल है। ठीक है, ये ओपन, इसको क्या किया गया, काट दिया गया आपको दिखाने के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे एंथर और पॉलन्स की, ये एंथर होते हैं, ये वाला पार्ट एंथर है। ठीक है, ये स्टिग्मा पार्ट है। जब एंथर इसी फ्लावर का एंथर, ठीक है, जब कभी इसी फ्लावर का एंथर क्या होगा, जब ये एंथर यहाँ से चल करके यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से चल करके यहाँ से चला और इसमें मिल गया, तो हम क्या बोलते हैं सेल्फ। ठीक है, लेकिन जब यहाँ से चल करके इसमें मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे, क्रॉस, मीन्स इस फ्लावर का एंथर, इस फ्लावर का एंसर, इस फ्लावर के स्टिग्मा में मिलेगा तो हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, और इसी फ्लावर में जो एंथर है और जो स्टिग्मा है, जब वो आपस में मिल जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। बात समझ में आई आपको। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके बारे में,
ये फर्टिलाइज पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन कैसे होता है, ये इस प्रकार से जायगोट फॉर्मेशन होता है, ये आपको दिखाना है, ठीक है। आपको ये चेक करना है जायगोट फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से होता है जायगोट फॉर्मेशन, ठीक है। ये पॉलन ट्यूब्स है और ये जायगोट फॉर्मेशन हो रहा है। ये ओबम है, ये पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन ग्रेन्स आके यहाँ बॉडी में लगेंगी और ये यहाँ जाके जब मिक्स हो जाएंगी ये क्या बना देगा, जायगोट बन जाएगा। मीन्स दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या हो गए, मिक्स हो गए। ये फीमेल गैमेट हो गया, ये मेल गैमेट हो गया, दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, जायगोट मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई आपको। अब ये क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहलाती है। जायगोट फॉर्मेशन मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। द फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड अ जायगोट। फ्यूजन के बाद जो एक सेल बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। फ्यूजन किसका हो रहा है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ये जो प्रोसेस होती है मेल और फीमेल गैमेट्स की फ्यूजन की, इसी को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस किसको बोलते हैं हम लोग, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन को हम मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। द जायगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, और फिर इसके बाद क्या होता है, जो जायगोट है वो एम्ब्रियो के फॉर्म में डेवलप हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो है हमारा फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू सो मच।